सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ड्रीम इलेवन आईपीएल 2020 का मैच नंबर वन, मुंबई इंडियंस टेकिंग ऑन चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और यहां पर आप दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग इलेवन में करे थे। बात करें मुंबई की तरफ से, ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डिकॉक और कप्तान रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ज्यादा रन नहीं बना पाए, 10 बॉल में 12 रन उन्होंने बनाए। पीयूष चावला ने इनको आउट कर दिया। हालांकि स्टार्ट अच्छी मिली थी, ओपनिंग पार्टनरशिप जो हुई थी वो 46 रन की हुई थी, लेकिन फिर वहां पर गिर गया कप्तान रोहित शर्मा का विकेट। उसके बाद नंबर तीन पे बैटिंग करने आया सूर्य कुमार यादव, लेकिन 2 रन के बाद यहां पर क्विंटन डिकॉक का भी विकेट गिर गया। डिकॉक 20 बॉल में 33 रन बना के आउट हो गए और दोनों ओपनर्स पवेलियन जा चुके थे। नंबर चार पे बैटिंग करने उतरे सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी और सूर्य कुमार यादव के बीच में यहां पर एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, अराउंड 50 रन की वो पार्टनरशिप थी। फिर वहां पर गिरा सूर्य कुमार यादव का विकेट। सूर्य कुमार यादव शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन वो सिर्फ 16 बॉल में 17 रन बना के आउट हो गए। सौरभ तिवारी यहां पर बोलना पड़ेगा काफी अच्छा खेल के गए। सौरभ तिवारी ने 31 बॉल में 42 रन की एक अच्छी पारी खेली, मुंबई को मिडिल में अच्छी स्टार्ट दिलाई थी। यहां पर बात करें इसके बाद तो कोई कुछ नहीं कर पाया। हार्दिक पांड्या जिनसे उम्मीद थी, 10 बॉलों में 14 रन बनाए, जहां पर 2 छक्के भी शामिल थे हार्दिक पांड्या के, लेकिन उसके अलावा हार्दिक पांड्या कुछ नहीं कर पाया। कायरन पोलार्ड ने 14 बॉल में 18 रन बनाए। कृणाल पांड्या ने 3 बॉल में 3 रन बनाए और आखिरी में जेम्स पैटिनसन जो एक बॉलर है उन्होंने 8 बॉल में 11 रन बनाए। सो यहां पर बात करें तो मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने 20 ओवर में 162 रन बनाए हैं और अब यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने लक्ष्य था 163 का। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ओपनिंग करने उतरे मुरली विजय और शेन वॉटसन, जहां पर पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने झटका दिला दिया। ट्रेंट बोल्ट ने शेन वॉटसन का आउट किया। वॉटसन ने सिर्फ 5 बॉलें खेली और 4 रन बना के वो आउट हो गए। इसके बाद नंबर 3 पे बैटिंग करने उतरे फैफ डुप्लेसिस, लेकिन यहां पर मुरली विजय का भी विकेट गिर गया। मुरली विजय ने 7 बॉलें खेली और सिर्फ 1 ही रन बनाए। जेम्स पैटिनसन ने इनको LBW करार दिया। इसके बाद उतरे थे नंबर 4 पे अंबाती रायडू और फैफ डुप्लेसिस के बीच में शतक की या साझेदारी हुई थी। 100 रन की वो पार्टनरशिप थी, काफी अच्छा दोनों बैट्समैन खेल रहे थे, लेकिन फिर वहां पर गिर गया अंबाती रायडू का विकेट। रायडू ने 48 बॉल में 71 रन की एक शानदार पारी खेली है और आईपीएल 2020 में पहली 50 अंबाती रायडू ने मारी है। आखिरी में राहुल चेहर ने इनको कॉटन बोल्ड कर दिया और टॉप क्लास इनिंग यहां पर अंबाती रायडू खेल के गए हैं। अब आखिरी 4 ओवर में इक्वेशन आई थी 24 बॉल में 42 रन और यहां पर इंटरेस्टिंगली रविंद्र जाडेजा को ऊपर बैटिंग करने भेजा गया था। जाडेजा ने 5 बॉलें खेली, 10 रन का योगदान दिया, 2 चौके मारे, लेकिन कृणाल पांड्या ने इनको LBW करार दिया और उसके बाद भी सैम करन यहां पर बैटिंग करने आए। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी नहीं आए बैटिंग करने के लिए और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यहां पर आराम से यह मुकाबला जीत चुकी है और काफी अच्छा यह पहला मुकाबला देखने को मिला। मेरी तरफ से आज की यही वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।